सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो हमारे डोर्स होते हैं या हमारी टक्कर पे जो टेप लगाई जाती है तो वो किस तरीके से लगाते हैं और उसकी जो कटिंग करी जाती है वो किस तरीके से करनी चाहिए। इसमें सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो हमारी जो टेप लगाई जाती है, जो फिनिशिंग दिया जाता है, तो उसमें देख सकते हैं आपको जैसे ज़्यादा फिनिशिंग है, जैसे आपका ओवर होता है, जैसे टेप लगाते हैं टक्करों पे, तो इसकी फिनिशिंग किस तरीके से देनी चाहिए और किस तरीके से लगानी चाहिए ये देख सकते हैं। जैसे आपका जैसे एक्स्ट्रा होता है जो हमारा टेप होता है, तो उसको फिनिशिंग के हिसाब से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले जैसे टेप आपको लगाना होता है तो टेप लगा पहले अपनी लगाई जाती है, उसके बाद हमारी उसकी फिनिशिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं पहले हम इसको लगा लेते हैं, जितने हमारे साइज होता है, जिस हिसाब से हमें लगाना होता है, जो हमारी टक्कर लगाई जाती है, तो उसके हिसाब से आप उसी को नाप कर लगा सकते हैं। जैसे आपको डोर्स पर लगानी है डोर्स के हिसाब से भी लगा सकते हैं, अगर आपको जैसे टक्करों पर भी लगानी है तो टक्करों पर भी आप लगा सकते हैं। तो इसको जैसे हम चोर से साफ करते हैं तो उसमें सफाई नहीं आती है, रंधे से भी लगाते हैं तो सनमाइका उड़ने का चांस है। तो देख सकते हैं ये हमारा आता है, जैसे आपको जो लेना है जो हमारे इस राहू कंपनी का आता है, तो ये मैनुअल एज ट्रेमर होता है। जैसे आपको लेना होता है मार्केट से तो आप इसको ले सकते हैं और अपना लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये मैनुअल एज ट्रेमर, ट्रेमर इसका नाम है। और अपने जो टेप एज बेंडिंग किया जाता है तो वो किस तरीके से करना चाहिए, जैसे हमारे इसमें फिनिशिंग आती है तो इसमें हमारा जैसे हमें राउंड में करना होता है, गोलाई करनी होती है टेप की, तो वो भी हो जाती है इससे। और आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो साइज़ होते हैं साइज़ के हिसाब से इसमें ये ब्लेड दे रखे हैं इसमें, तो हमारे ये ब्लेड होते हैं तो इसमें उसी के हिसाब से होते हैं जैसे हमारा जो टेपर एज जो होता है जिसको गोलाई कहते हैं वो एज होता है। ये देख सकते हैं हमारे जैसे ओवर होता है तो इसको किस तरीके से करना चाहिए और बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको टाइम की बचत होगी, इसमें आप इसे जल्दी से कर सकते हैं। जैसे आपकी टक्कर जितनी भी मोटी होती है, आधा इंची जो भी होती है आपकी, 1.5 इंची, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। और इसमें एक ही बार में हो जाता है हमारा सही, और इसमें आपको रंधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग सबसे ज़्यादा आती है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे ही हमारा दबा के चल जाता है। ये देख सकते हैं टेप साइडों को निकल जाती है, जो हमारी वेस्ट होती है, जो कटिंग होती है, जो हमारी फालतू होती है, वो साइडों में कट जाती है। तो इसमें हमारा फ़ायदा ये रहता है, जैसे हम जैसे हमारा ओवर होता है जैसे टेप हम लगाते हैं, तो इसमें जैसे हमें पहले साइज में काटना होता है, जैसे हम कटर से भी काट सकते हैं या अपना दूसरा कोई और भी जुगाड़ बना सकते हैं तो उस तरीके से भी काट सकते हैं, तो वो गलत है। और आप इसको देख सकते हैं इसी तरीके से कर सकते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कटिंग करने की। जैसे हमारा कुछ बोर्ड मोटा होता है, कहीं पर पतला होता है, तो उसके हिसाब से ये कटिंग करता है। जैसे हम दूसरा जैसे हमारा एक रूटर से भी होता है, तो रूटर जो होता है हमारा उससे भी कट जाती है। अगर जैसे आपको ऊपर जैसे रह गया साइज, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे हमारा ऊपर की साइड ये जैसे हमारा ऊपर तक नहीं जाता तो उस ये देख सकते हैं ये हमारा 2 इंची रह जाता है। तो इसको आप जैसे लगाते हो तो आप पहले से साइज में कर लें, पहले जैसे हमारा साइज इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। आप जिस हिसाब से आपको टक्कर के हिसाब से लगाना, तो वो हमारा ऊपर का लग जाता है, फिर नीचे का लग जाता है, उसी हिसाब से उसको साइज में करके आप उसके ऊपर नीचे का करके लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे हम रंधा लगाते हैं तो हमारा सनमाइके पर रंधा लग जाता है, तो उसमें हमारा कलर उड़ जाता है सनमाइके का, आपने देखा होगा। अगर आप जैसे लगाते हो या चोर से भी करते हो तो उसमें ऊँचा नीचा जो हमारा ऊपर नीचे वो जो गड्ढे से हो जाते हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है हमारी। अगर आप इसको इससे लगाते हो तो आपकी सनमाइका नहीं उड़ेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी जो सनमाइका की फिनिशिंग बनी रहेगी और आपकी टेप की भी, इसमें आपकी जो फिनिशिंग है वो उसी तरीके से आपका जो सनमाइका होता है उसी के लेवल से काटेगा ये, और इसमें आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें ट्रेमर ये जो अपना ट्रेमर एच ये जो आता है एच बैंडिंग का आता है, तो उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो इसे मैनुअल एज ट्रेमर, तो इसका जो नाम है इसी नाम से आप ले सकते हैं। ये अपना राहुल कंपनी का आता है, राहुल कंपनी का आप ले सकते हैं। उसकी जो मार्केट जो हमारी प्राइस होता है, तो ये अपना जैसे अपना 1400-1500 रुपये का आ जाता है मार्केट में, अगर आप लेते हैं तो उसी तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें अपना साइज़ जितना भी होता है उसी हिसाब से आप इसको अपना चला सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये इसका जो हमारा स्प्रिंग होते हैं इसके अंदर,
ये हमारा साइज़ कम बढ़ती हो जाता है, और जैसे आपका बड़ा साइज़ होता है जैसे 1.5 इंच से भी ज़्यादा होता तो उसको भी काट सकते हैं। अगर आपका जैसे आधा इंच या आधा इंच से भी कम है तो आप एक साइड से ऐसे बाहर निकाल के इसको, या फोल्डिंग होता तो उसे निकाल के आप कर सकते हैं उसको, अपना जैसे टक्कर पतली होती है तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा इसमें कोई जैसे हमारी सफाई जो होती है ज़्यादा सफाई आ जाती है। अगर आपको जैसे इसमें एज बनाना होता तो एज के लिए आपको जो हमारे इसमें ब्लेड होते हैं साइडों में तो उसको खोल के आप उसको अपना बना के उसी तरीके से लगा सकते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको जो हमारा एज में करा जाता है, जो हमारी गोलाई हो जाती है टेप की, तो उसको किस तरीके से करना चाहिए और उसमें जैसे आपका फिनिशिंग भी बढ़िया रहेगी। और इसमें आपकी जो टेप कटेगी बराबर कटेगी, कोई कहीं से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कटेगी। जैसे हम चोरसी से करते हैं या रंधे से भी करते हैं तो उसमें हमारा सनमाइका उड़ने का चांस रहता है। इस तो आपकी जो फिनिशिंग रहती है तो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग इसमें मिल जाती है। और आप देख सकते हैं इसमें अपना जो सनमाइका ये देख सकते हैं कहीं पे भी हमारा जो टेप होती है वो कहीं पे उठी भी नहीं रहती है। और इसमें हमारा जो रंधा हम लगाते हैं तो रंधे में आपको थोड़ा बहुत जैसे आपका लग जाता है तो सनमाइका उड़ने का चांस रहता है। और ये अपने चोरसी से भी करते हो आप तो चोरसी में ऊंचा नीचा हमारा टेप हो जाता है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और इसमें आपको कहीं पे भी बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा उसी के हिसाब से प्लान आता है। जैसे हमारा सनमाइका होता है सनमाइके के हिसाब से ही ये कटिंग करता है, तो इसके जो ब्लेड होते हैं हमारे सनमाइका के हिसाब से ही होते हैं और इसमें हमारे सनमाइके पर भी निशान नहीं आते। जैसे हम इसको लगाते हैं तो हमारा जो इसका ये देख सकते हैं आप बैक साइड में भी, बैक साइड में भी हमारी उतनी ही फिनिशिंग है इसमें जितनी हमारी फ्रंट पाई है। तो आप उसी तरीके से लगा सकते हैं और उसमें अपना टेप लगाने के बाद आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारा एज जैसे हम मशीन से भी करते हैं रंधे से भी करते हैं तो कहीं पे हमारे जैसे सनमाइका उठा हुआ रह जाता है तो उसमें हमारा दिक्कत आ सकती है, उसमें हमारा सनमाइका उड़ने का चांस रहता है, इसमें आपका नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं ये हमारा एज बैंडिंग करने के, जैसे हमारा एज करने के लिए जो टेप होती है उसको करने के लिए ब्लेड होते हैं और हमारे दोनों साइड में होते हैं। इसको आप दोनों साइड से चला सकते हैं, किधर से भी चला सकते हैं, हमारे दोनों साइड से ही चलता, दोनों साइड में ब्लेड होते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं और इसमें बहुत आसान है, इसको इसमें कोई परेशान नहीं है। तो आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं अपना कहीं पे भी हमारा उठा हुआ नहीं है। मैं इसका टेपर करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारा डोर्स है, मैं आपको दराज में दिखा देता हूँ, इसमें नहीं दिखाता मैं आपको। इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारा जैसे अगर आपको जैसे एज करना होता है जो हमारी गोलाई होती है तो वो किस हिसाब से करनी होती है। तो इसमें आगे हमारा ब्लेड बढ़ाया जाता है और अपना उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा जैसे आपका ये चलेगा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा ये दराज है, दराज की हमारी बैक साइड है, बैक साइड में आप मैं आपको टेपर करके दिखा देता हूँ जो हमारी गोलाई होगी इसमें। तो ये देख सकते हैं हमारी गोलाई हो गई है इसमें। तो इसी तरीके से अपना जो ऊपर की धार होती है वो दब जाती है और अपना हमारा जो जैसे गोलाई करनी होती है कहीं पर जो हमारे हाथ में नहीं लगे तो उसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये हमारा दोनों तरफ से राउंड हो जाता है। जैसे हमारा एज होता है, एज जो होता है हमारा दोनों तरफ से राउंड हो जाता है, तो उसी तरीके से एज कर सकते हैं। आपको एक साइड से करना है एक साइड से कर सकते हैं, अगर दोनों साइड से करना है दो साइड से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे किचन के डोर्स में करा जाता है। हेलो जी सर, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड। तो दोस्तों आपको जो लेना है राहू कंपनी का